ಕೆಟ್ಟವ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಂಡರ ಧೀರ ಕಣಕಣವನ್ನು ಅಡಿಗುಡಿಯಲು ಕೆಳಗಿ ರೋಷ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಟರ ಶೂರ ನಲಿಗುಲ ಕೆಳಗಿ ಕಳವಾಡ ಕೆಳಗಿನ ಶೂರ ಸುಲ್ತಾನ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇ ದೋಪಹರ್ ಕೆ 12:05 ಪೇ 12:05 PM ಕೋ ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ ಪಹುಂಚನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಮ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಕಮ್ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಪಹುಂಚ ಜಾತಿ ಹೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇ 4:35 PM ಕೋ ತೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4.5 ಘಂಟೆ ಮೇ ಉಸ್ನೆ ಕವರ್ ಕಿಯಾ 360 kilometers ಕಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಗರ್ ದೇಖೆ ತೋ 80-85 kilometers ಪರ್ ಅವರ್ तो कुछ लोग सोचेंगे चलो ठीक है पहुंच गए, लेकिन इसके पीछे की जब आप कहानी जानोगे तो आप इमोशनल हो जाओगे. इस एम्बुलेंस में था एक 40 दिन का बच्चा जिसको कि ओपन हार्ट सर्जरी होना था जिसका, और उस बच्चे को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाया 350 से ऊपर किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके एम्बुलेंस के ड्राइवर हनीफ ने. बहुत ही कमाल का वीडियो है ये, आपने देख लिया होगा आई होप, हर जगह वायरल हो रहा है. बात करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह ये वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है और लोग एम्बुलेंस ड्राइवर की तारीफ़ कर रहे हैं. और जब एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ पहुंचे वहां बेंगलोर में जयदेव हॉस्पिटल में, तो वहां पे लोगों ने उनका स्वागत किया, मीडिया ने उनके इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया. 360 किलोमीटर 4.5 घंटे में कवर करना बिल्कुल आसान काम नहीं था, और उनके अकेले की बस की बात नहीं थी. इसमें सपोर्ट किया पुलिस ने, उसके बाद जो भी ट्रैफिक पुलिस थी, जहाँ पे भी अगर बात करूँ ये एम्बुलेंस जो है वो BC रोड से होते हुए फिर सकलेशपुर हासन होते हुए बेंगलोर पहुँचती है. लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, रास्ते में पूरा ट्रैफिक जो था वो खाली रखा गया था जहाँ जहाँ से एम्बुलेंस जाने वाली थी. जैसा मैंने मैप रोड का बताया, जगह का बताया, वहाँ वहाँ होके एम्बुलेंस गुजरी. तो बहुत ही, आपको बता दूं कि पूरा सेटअप जो है एम्बुलेंस में सेट कर दिया गया था, और उसके बाद हनीफ लेके निकले थे. और बहुत ही कमाल का एक सैल्यूट बनता है यार उनके लिए, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने. और कल से ये न्यूज़ जो है वो हर जगह पे वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है. तो मैं बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने ये कॉमेंट किया हुआ था कि क्या इसको हेलीकॉप्टर से भी तो पहुँचाया जा सकता था, उससे कम टाइम और लगता. तो देखो क्या होता है, वो हेलीकॉप्टर है, कोई फोर व्हीलर नहीं है कि गए बात किया और वो चल दिया. हेलीकॉप्टर के लिए बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत होती है, उसके टेक ऑफ से लेकर उसके लैंडिंग तक उसका जगह फिक्स किया जाता है, उसके बाद ही वो लैंड करता है कहीं पे. बहुत सारे परमिशन होते हैं, इतनी जल्दी नहीं मिलता. पता चलता जब तक परमिशन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितने घंटे निकल गए. एम्बुलेंस में क्या है, स्टार्ट किया और निकल गए, रास्ता अगर क्लियर है तो यही होता है. तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, इस तरीके के जो लोग हैं वो हैं हमारे बीच, जो अपनी जान पे खेल के भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते. और ये कोई पहला मैटर नहीं है, अगर मैं बात करूँ इस हनीफ भाई की, तो कोई पहला मैटर नहीं है. इससे पहले भी चेन्नई में भी कुछ महीने पहले भी हुआ था, जब 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी एम्बुलेंस ने, और उसका भी काफ़ी तारीफ हुई थी उसके एम्बुलेंस के ड्राइवर की भी, और लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था. वो वीडियो भी अच्छा खासा वायरल हुआ था, और यहाँ पे ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं. तो आई होप कि आपने ये न्यूज़ सुना होगा, और नहीं सुना तो मुझे शेयर करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को कि ऐसे लोग हैं, अच्छा लगता है देख के. ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.